हेलो दोस्तों, फिर से एक बार एक्यूरेट लर्निंग में स्वागत। मैं उमा देसाई, लक्ष्मणी फाइनेंशियल सर्विसेज। हमारा पिछला वीडियो मनी मल्टीप्लायर, इसमें देखा कि रिजर्व बैंकिंग सिस्टम में जो फियाट पेपर मनी जो प्रिंट होके आता है उसका जनरेट होके 1000 रुपीज मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो अगर ये 100 रुपीज 1000 हो रहा है तो इसका मल्टीप्लायर हुआ 10x। तो वो कैसे, तो आइए इसे आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट, यहाँ पे जो भी RBI फियाट पेपर मनी प्रिंट करती है, दैट इज रुपीज 100, रिजर्व रखने के बाद ये कितना नया पैसा मार्केट में जनरेट करती है विद बैंकिंग सिस्टम, तो ये है 1000 रुपीज। ये हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट इज 10x। तो वो कैसे, तो आइए इसे हम मैथमेटिकली और रिफाइन करके देखेंगे। एवरी आर जनरेट्स 1/r न्यू मनी। मनी मल्टीप्लायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 इन फंक्शनल इकोनॉमी। तो कभी भी रिजर्व्स 100% होता नहीं है इन अ बैंकिंग सिस्टम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जहां पे 100% रिजर्व रखा गया है वहां पे मनी मल्टीप्लायर 1x हो रहा है, और जहां पे मनी रिजर्व ये 10% रखा गया है तो वहां पे मनी मल्टीप्लायर ये 10 times हो रहा है। जहां पे 5% रखा गया है वहां पे मनी मल्टीप्लायर 20 times हो रहा है, और 4% जहां पे मनी रिजर्व रखा है वहां पे मनी मल्टीप्लायर 25 times हो रहा है। सो मनी विल बी जनरेटेड अकॉर्डिंगली। सो हायर द रिजर्व, लोअर द मनी सप्लाई एंड लोअर द मनी मल्टीप्लायर, रिजर्व मनी। तो ये रिजर्व मनी जनरेट होता कैसे है, तो इसे और अच्छी तरह समझने के लिए हमें RBI की बैलेंस शीट समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम RBI की बैलेंस शीट समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो असेट साइड है RBI की, यहाँ पे गोल्ड, जो हमने हमारे फर्स्ट वीडियो से लेके देखा है कि हर एक राष्ट्र के बैलेंस शीट में RBI गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा गोल्ड रिजर्व होता है, और उसके बाद फॉरेन रिजर्व्स, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ये रहता है, और उसी के साथ यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो गवर्नमेंट के असेट्स होते हैं, और जो बैंक्स है RBI के, जो RBI ने बैंकों को जो लोन दिया हुआ है वो उनको वापस आने वाला है, तो वो RBI के असेट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लायबिलिटीज़, जो RBI की लायबिलिटीज़ है, ये जो करेंसी है, जो करेंसी जो सर्कुलेशन में है, जो हम लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा था M0 to M4, जो बैंक के पास है, जो पब्लिक के हाथों में है, ये सारा पैसा जो नागरिकों के हाथों में है और बैंक में पड़ा हुआ है, ये लायबिलिटी है RBI के लिए। इसको वॉल्ड कैश भी कह सकते हैं, जो बैंकिंग टर्म्स में बोला जाता है। सो बैंकर्स की जो डिपॉजिट्स है जो RBI के पास है, अभी RBI क्या करती है, जो छोटे छोटे बैंक्स हैं उनके भी डिपॉजिट्स लेती है, तो वो जो डिपॉजिट्स है वो उनको रिटर्न करना है, तो ये RBI के लिए ये लायबिलिटी हो गई है। तो ये जो आप देख रहे हो ये सभी चीज़ें लायबिलिटी की साइड में आ रही है, तो RBI को इसको इंटरेस्ट के साथ उनको लौटाना पड़ता है। तो इसे जो करेंसी इन सर्कुलेशन ऑफ द बैंक और पब्लिक है, प्लस जो बैंकर्स के डिपॉजिट है जो RBI के पास है, ये मिला के M0 और रिजर्व मनी और हाई पावर मनी कहा जाता है। सो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि RBI की जो बैलेंस शीट की असेट साइड है, जो जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही RBI ज़रूरत पड़ने पर मनी की प्रिंटिंग बढ़ा सकता है, और ये जो रिजर्व रेशोज है इसी के हिसाब से मनी की सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपांड कर सकते हैं। ये भी अभी क्लियर है कि जितना रिजर्व रेशो
ये कम कम होता जाता है उतना ही मनी का मल्टीप्लायर बढ़ता जाता है। और हमने ये भी देखा कि अगर ज़रूरत पड़ने पर बैंकर शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से लोन भी ले सकते हैं। और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जो रेशोज देखे थे, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सभी चीज़ें मनी की सप्लाई को बढ़ाती है या कम करती है, और उसी के रेशो पे हमारा मनी का मल्टीप्लायर भी उसके ही हिसाब से बढ़ता जाता है। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।